तो दोस्तों हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो न्यूमरल्स के फॉर्म में नहीं है, ए एंड बी के फॉर्म में हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखें तो कांस्टेंट टर्म जो आपका है वो एक एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कांस्टेंट टर्म एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 2a² + 5ab + 2b² ऐसे केसेस में हमें कांस्टेंट टर्म को पहले फैक्टराइज कर लेना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे खुद ब खुद आपका जो ये मिडिल टर्म है वो आप ये जो फैक्टराइजेशन करेंगे उसके टर्म्स में आप मिडिल टर्म को लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सो ऐसे केसेस में सबसे पहले आप जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप फैक्टराइज करने की कोशिश करें। तो क्लियरली यहाँ पे भी आप मिडिल स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करके आप इसे 2a² + 4ab + ab + 2b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखें 4ab + ab 5ab होता है और 4ab + ab 4a² b² होता है जो कि इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो इन दोनों टर्म्स का अगर आप प्रोडक्ट देखें तो ये 4a² b² होता है और इसीलिए हमने इसको 4ab और ab के टर्म्स में तोड़ा। अब आगे का स्टेप देखते हैं। तो इसको फिर पहले दो टर्म्स में से आप 2a को कॉमन ले सकते हैं। सो ये हो जाता है 2a, सो a + 2b, करेक्ट। और सेकेंड टर्म में आप b को कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाता है a + 2b। सो इसको हम 2a + b और a + 2b के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो c जो हमारा वो कांस्टेंट टर्म था उसको हमने 2a + b और a + 2b के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा अगर आप देखेंगे, अगर इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलता है किन दोनों को, ये टर्म 2a + b और a + 2b, इनको अगर आप जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा 2a + b। इसको आप जोड़ें अगर a + 2b तो आपको क्या मिल जाएगा, 3a + 3b, 3a + 3b। और अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा, ये हमारा 3 × 3a + 3b विच इज 9 × 3a + 3b, विच इज सॉरी दिस इज नॉट 9 × 3a + 3b, दिस इज 9 × a + b। अगर आप गौर से देखें तो ये 9a + b और ये मिडिल टर्म यहाँ सिमिलर दिख रहा है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे कैसे। सो 9x² को नाउ अब हम इक्वेशन लिखते हैं। सो 9x² - 9a + bx को कैसे लिखा जा सकता है, क्या हम -9a + bx को -3 × 2a + bx एंड देन अगेन -3 × a + 2bx के फॉर्म में लिखा जा सकता है। -9a + bx को अगर आप देखें तो ये -3 × 2a + b एंड -3 × a + 2b, क्योंकि इन दोनों का सम अगर आप करेंगे तो -9a + bx मिलेगा। और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें 3 × 2a + b × 3 × a + 2b तो आपको क्या मिलेगा, 9 × 2a + b × a + 2b, इन दोनों का प्रोडक्ट, 9 × 2a + b एंड देन a + 2b, उसका फायदा अभी हमें दिखेगा। तो जो रिमेनिंग टर्म था 2a² + 5ab + 2b² को हम इनके इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म था उसे हम लिख सकते हैं 2a + b × a + 2b, क्योंकि अगर आप देखें इसका प्रोडक्ट इज नथिंग बट दिस, ये जो आपके पास ये जो फैक्टराइज हमने उस समय किया था अब इसका यूज दिखेगा। ये जो प्रोडक्ट है वो कुछ नहीं है बल्कि यही है 2a² + 5ab + 2b² नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इतना सारा कुछ तमाशा करने का कारण ही यही था कि अब हम इसे फैक्टर कर सकते हैं कैसे।
थ्री एक्स स्क्वायर और इस इन द फर्स्ट टू टर्म्स में कौन क्या है कॉमन, थ्री कॉमन है और एक एक्स कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, थ्री एक्स एंड यहाँ क्या बच गया, माइनस टू ए प्लस बी, है कि नहीं। और इन दोनों में अगर आप देखें ये लास्ट के दो टर्म्स में कौन सा कॉमन, क्या कॉमन है, ए प्लस टू बी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी ए प्लस टू बी है, यहाँ पे भी ए प्लस टू बी है, तो हम ए प्लस टू बी को कॉमन ले लेते हैं। सो हम लिखेंगे माइनस ए प्लस बी, आप ले लें ए प्लस टू बी, और इसके अंदर ये हो गया थ्री एक्स बच गया और इधर बच गया माइनस टू ए प्लस बी। और अगर आप गौर से देख रहे हैं तो हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया है, थ्री एक्स माइनस टू ए प्लस बी यहाँ पे और थ्री एक्स माइनस टू ए प्लस बी यहाँ पे ही। तो अब क्या है, अब इसे कॉमन ले लें आप, सो थ्री एक्स माइनस टू ए प्लस बी और विद इन ब्रैकेट्स क्या बच गया, थ्री एक्स एंड हियर माइनस ए प्लस टू बी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हमें दो फैक्टर मिल गया, ये फैक्टर वन और ये फैक्टर टू, दो फैक्टर हमने जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको फैक्टराइज करके दो टर्म्स में लिख दिया। अब आसान है यहाँ से, सो अभी आप लिखेंगे थ्री एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट्स इज जीरो, पहला सोल्यूशन यहाँ से आएगा और दूसरा सोल्यूशन आएगा थ्री एक्स माइनस ए प्लस टू बी बराबर जीरो से। सो ये हो गया x बराबर टू ए प्लस बी बाई थ्री, सो ये हो गया सोल्यूशन नंबर वन। एंड दूसरा सोल्यूशन आ गया आपका यहाँ से x इक्वल्स ए प्लस टू बी अपॉन थ्री। तो ये दो सोल्यूशंस आपके हो गए, एक हो गया ये वाला और दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम आपके पास दो सोल्यूशन हो सकते हैं। चेक करने के लिए आप इसको वापस इक्वेशन में डिप्लॉय करें, बट ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा, तो आपसे सजेशन आपको यही होगी कि आप इसको वेरी केयरफुली इसको सॉल्व करें और तब इसमें एरर करने की गुंजाइश कम से कम हो। तो इसमें लर्निंग क्या थी दोस्तों, लर्निंग ये थी कि जब भी अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा मिले जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो एक एक्सप्रेशन है अपने आप में, तो पहले उस एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर लें और इनवेरिएबली आपको ये दिखेगा कि वो जो फैक्टराइजेशन आपने किया था वो फैक्टराइजेशन आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में भी काम आएगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या था, आप कॉन्स्टेंट टर्म को फैक्टराइज कर लें, वो फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फायदा होगा और आप पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं, धन्यवाद।